बच्चों आपका चैप्टर नंबर टू है, लेट्स मूव विद विंडोज 7। इसमें हमारी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव होते हैं तो उनके अंदर क्या क्या आपके मटेरियल है और उन फाइल और फोल्डर को हम किस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि विंडोज एक्सप्लोरर हमारा एक क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें कि हम फाइल्स एंड फोल्डर्स देखते हैं एमएस विंडो में, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा किसके लिए काम आता है, फाइल एंड फोल्डर्स देखने के। ये जो हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं तो विंडोज एक्सप्लोरर उनको एक श्रेणीबद्ध तरीके से रखता है, यानी कि एक सीरीज के तौर पे रखता है, एक सीरीज होती है उस फॉर्म में रखता है। तो देखो हम ये फाइल एक्सप्लोरर जो है हम किस तरह से ओपन करते हैं, तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो नंबर वन है आपका, सबसे पहले तो हम स्टार्ट बटन में जाएंगे। आपका स्टार्ट बटन कहाँ होता है, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट बटन है, हम यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आपके क्या आएगा, ऑल प्रोग्राम, तो हम ऑल प्रोग्राम पे जब क्लिक करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा ऑल प्रोग्राम वाला है कि हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम में हम क्लिक कर देंगे, ये इस तरह से एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप देखिए ऊपर एसेसरीज हैं, काफी सारी चीजें हैं, मैथ इनपुट पैनल है, नोटपैड है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी में ही नीचे जब आप आओगे तो मिलेगा आपको विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, यानी कि ऑल प्रोग्राम में हमारी एसेसरीज खुलती हैं, एसेसरीज में ही नीचे हमारे पास होता है विंडोज एक्सप्लोरर। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर विंडो है वो इस तरह से खुल के आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो पेन होते हैं, एक होता है राइट पेन, ये एक होता है हमारा लेफ्ट पेन, ठीक है। और जो ये किस तरह से आपको एक बार दिख रहा है, ये होता है आपका मेन्यू कंट्रोल बार, और जो नीचे दिया होता है वो होता है डिटेल पेन, यानी कि इसमें सारी आपकी डिटेल रहती है। ये जो राइट पेन होता है इसमें हमारे सारे फोल्डर्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट पेन होता है उसमें हमारी क्या होती है, डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है, और हमारे हायरार्किकल ऑर्डर्स में फोल्डर्स लगे होते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें दो तरह के साइन होते हैं, ये देख रहे हैं आप, एक ये वाला साइन होता है और एक ये वाला साइन होता है, दो तरह के साइन होते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ये साइन है आपका और बाकी ये वाला साइन है, तो दो तरह के साइन होते हैं इसमें हमारे। तो ये जो सिंगल साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारे सब फोल्डर है, यानी कि जो हमारे फोल्डर दिख रहे हैं तो उन फोल्डर के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं, ठीक है, जिसमें फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं वो सब फोल्डर कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो हमारे खुल के आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये हमारे जो ब्लैक वाला, मैंने अभी आपको ये वाला दिखाया था, ये वाला, फिर ये वाले साइन में चेंज हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी, मतलब कि उस पर क्लिक कर किया है तो हमारे उसके अंदर के ये फोल्डर दिख गए हैं, तो ये होता है एक्सपेंडिंग ऑफ ए फोल्डर, यानी कि किसी भी फोल्डर को एक्सपेंड करना, खोल देना अच्छे ढंग से, ठीक है। एक्सपेंड आपने शायद एक्सपेंड फॉर्म मैथ्स में भी पढ़ी है, उसमें क्या होता है, कोई नंबर है तो उसको हम अच्छे से खोल के लिख देते हैं, 35 है, 35 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 20+10+5 इस तरह से लिख सकते हैं, हमने उसे एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से ये होता है कि फोल्डर के अंदर भी जो फोल्डर होता है अगर वो खुल के हमें दिख रहे हैं तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी एक्सपेंडिंग ऑफ ए फोल्डर कहलाती है। अच्छा, अगर हम जो ये ब्लैक वाला साइन होता है अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, तो ये होगा कि जो हमारे फोल्डर खुले हुए थे, जो हमारे सब फोल्डर खुले हुए थे वो वापस से कोलैप्स हो जाएंगे, वापस से मर्ज हो जाएंगे, मतलब एक ही फोल्डर दिखाई देगा फिर हमको। अब है हमारा मेन्यू कंट्रोल बार, तो मेन्यू कंट्रोल बार में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि यूजर कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है, इसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और जो हमारा नीचे डिटेल बार होता है तो उसमें हमारे फोल्डर्स की डिटेल्स होती है, जैसे कि देखिए एक फोल्डर का दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक इस फोल्डर के अंदर हमारे चार आइटम है, ठीक है, उनका साइज क्या है, उनका टाइप क्या है, म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, इस तरह से सारी डिटेल दी होती है नीचे। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो वो डिटेल खुल के आती है कि किस फोल्डर का कितना साइज है, उसका नाम क्या है, इस तरह से।
नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरीज इन विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 में हमारे पास क्या होता है, लाइब्रेरीज होती हैं जो कि यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड कलेक्शन होता है कंटेंट्स का, जिसको कि हम फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा के थ्रू इजिली एक्सेस कर सकते हैं, इजिली हमें वो मिल जाता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, एक तरह का फोल्डर का ही टाइप होता है, जैसे फोल्डर होता है ना, आप कह सकते हो लाइब्रेरीज भी एक तरह से फोल्डर की ही तरह होती हैं। तो इसमें जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, हमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने होते हैं, या फिर उसमें म्यूजिक रखना है हमें, या कोई पिक्चर रखनी है, या फिर कोई हमें कोई और फाइल रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सब लाइब्रेरीज में होती है। और लाइब्रेरी गैदर्स फाइल्स दैट आर स्टोर्ड इन सेवरल लोकेशंस। ठीक है, तो जो हमारी एक लाइब्रेरी होती है तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो कि अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर्ड होती हैं, सेवरल यानी अलग अलग। ठीक है, बट हाइड्स द एक्चुअल लोकेशन, वो स्टोर तो अलग अलग लोकेशन पे होती है लेकिन जो छिपी हुई होती है वो जो उसका सही पोजीशन होती है, जो बिल्कुल सही जगह होती है, सही लोकेशन होती है, वो वहीं पर हाइड रहती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारा यूजर है वो फाइल्स को ब्राउज कर सकता है। ठीक है, मतलब जहां पर भी हमारी फाइल्स होती हैं तो वहां पर इनको खोजना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, इसमें चार बेसिक लाइब्रेरीज दी हुई हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये ध्यान भी रखना है। फोर बेसिक लाइब्रेरीज होती है विंडोज 7 में, कौन कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट होता है नंबर 1 पे, पिक्चर्स होती हैं, म्यूजिक एंड वीडियोज। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट भी होती है। जब हम किसी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यूजर जो है वो हम जैसे यूजर यानी कि जो यूज कर रहा है उस चीज को, ठीक है, तो लाइब्रेरीज फोल्डर को जब हम सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट पेन से, तो उसको क्या है, काफी सारी लाइब्रेरीज फोल्डर दिखते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पेन है, आपको पता है। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, माई डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह से खुल के आती है। ठीक है, लाइब्रेरीज को क्लिक करने पर हमारे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस खुल रहे हैं। यही चीज तो होती है इसमें लाइब्रेरीज में, जी चार हमारी बेसिक लाइब्रेरी होती है विंडोज 7 में। हाँ, इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो जो हमारी लाइब्रेरीज फोल्डर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाते हैं लेफ्ट पैन में, है ना, जैसे हमने इस तरह से यहाँ पर हमने क्लिक किया था लाइब्रेरीज। ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से कोई फोल्डर अपना ओपन करना है, जैसे डॉक्यूमेंट में या म्यूजिक अगर हम सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे। फोल्डर नहीं कह सकती, हमारी लाइब्रेरीज हैं, तो हम इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ये आपको दिया हुआ है डिटेल कि डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में आपके देखिए डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूजर डिफाइंड होता है ये, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सेव कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अगर आप म्यूजिक सेव कर रहे हैं तो वो म्यूजिक लाइब्रेरी में, और अगर आपकी पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, पिक्चर्स लाइब्रेरी में, और इसी तरह से जो वीडियोज होती है वो वीडियोज लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, यानी कि अगर अपने आप फाइल और फोल्डर्स को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या उसका मतलब किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हमें जाना होता है मेन्यू कंट्रोल बार में। ये आपका बताया था मैंने कि मेन्यू कंट्रोल बार है, इसमें साइड में देखिए आपका ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये लिस्ट खुलकर आती है नीचे। ठीक है, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन से, लार्ज आइकन से, मीडियम आइकन से, स्मॉल आइकन से, ये सारे आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखिए फोल्डर जो है आपका उसका साइज आपको बड़ा करना है ना, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज करना है, तो ये यहाँ से आप अप डाउन करके बड़ा कर सकते हैं, तो साइज आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप उसको सिर्फ लार्ज करना चाह रहे हैं तो यानी वो तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज आइकन्स पे, लार्ज आइकन्स पे करके ये हमारे इनका साइज हो जाएगा, जब हम यहाँ से लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे ये फोल्डर का जो साइज है वो भी लार्ज हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़ा कम हो जाएगा, होगा तो वो बड़ा आपको क्लियर दिखेगा लेकिन वो एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़ा छोटा हो जाएगा।
इसी तरह से आपका क्या है, मीडियम आइकन्स है, यानी कि मीडियम आइकन्स है तो वो स्मॉल और जो लार्ज के बीच का साइज है फिर वो बन जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको यहीं से सेलेक्ट करना है। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है आपके, लिस्ट में जो भी हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं तो वो सब होते तो स्मॉल आइकन्स में, उनकी लिस्ट आ जाती है खुल के, ये देखिए इस तरह से ना, जो जो हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स लगे होंगे उसमें सबकी लिस्ट बन के जाती है। ऐसे ही आपको यहाँ पे दिया है एक डिटेल्स, तो डिटेल्स में क्या है, जो आपकी लिस्ट आई है खुल के, है ना, तो वो फाइल्स और जो फोल्डर्स होते हैं उनकी हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारी फाइल के बारे में, उसमें हमारा मतलब कि नेम क्या है, उसमें टाइप क्या है, साइज क्या है, या ये हमने फाइल और फोल्डर कब बनाए हैं, तो वो इस तरह से देखिए सारी डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइल्स, ये देखिए टाइल्स व्यू हमारा इस तरह से होता है। तो इस ऑप्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स को आइकन्स के तौर पर डिस्प्ले करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारे आइकन्स होते हैं वो हमारे जो डिटेल व्यू होती है और जो हमारी लिस्ट व्यू, यानी डिटेल व्यू ये और जो हमारी लिस्ट व्यू होती है ये, तो इससे थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी उस फाइल और फोल्डर की जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने हम कोई सा फाइल और फोल्डर पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंटेंट, कंटेंट यानी कि हमारे किसी भी फाइल और फोल्डर में के अंदर क्या है, ठीक है, क्या कंटेंट है उसके अंदर और उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब इसमें हमारा नेम क्या है उसका, वही टाइप क्या है कि फाइल है फोल्डर है क्या है, उसका टाइप पता चल जाता है, या जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका साइज कितना है, कितने एमबी की डेटा है उसके अंदर, इस तरह से हमारा कंटेंट व्यू होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर में जो हमारी फाइल और फोल्डर्स होते हैं हम उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर में आप अपनी फाइल या फोल्डर को किस तरह से ओपन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो हम लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो, या विंडोज एक्सप्लोरर में जब हमारा हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया है तो ऊपर में यहाँ पर एक ओपन मेन्यू कंट्रोल बार में एक ओपन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो जब हम इसको क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ पर ओपन ऑप्शन आ रहा है तो हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल और फोल्डर्स क्या है, ओपन हो जाएंगे, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अब है आपका एक नया फोल्डर बनाना, ठीक है, कि आप एक नया फोल्डर किस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या है, हम किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं या फिर हम अपनी स्क्रीन पर भी एक फोल्डर बना सकते हैं, खाली फोल्डर, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा स्टेप वन है तो उसका ये है कि हमें लेफ्ट पैन से पहले फोल्डर सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हमने हमें ये दिए हुए इतने सारे, तो हमें मान लीजिए डायरी के अंदर बनाना है, ठीक है, डायरी के अंदर फोल्डर बनाना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पहले डायरी पे क्लिक करेंगे, जब डायरी पे क्लिक करेंगे तो हम डायरी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए मेन्यू कंट्रोल बार पर एक न्यू फोल्डर करके ऑप्शन आएगा, फिर हमें उस पर क्लिक कर देना है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक न्यू फोल्डर बन के आ जाएगा, और वो न्यू फोल्डर हमारा राइट पेन में आएगा, इधर साइड में आएगा। ठीक है, तो उसमें हम अपना नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिनेमिंग फाइल एंड फोल्डर्स, यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को दोबारा से नाम रखना, मान लीजिए मैं अपना मेरे एक सरिता नाम से ही फोल्डर बना हुआ है लेकिन मैं उसको चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगी, तो सबसे पहले तो मैं उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगी, फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर। ठीक है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मुझे क्या करना है, क्लिक द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू, उसके बाद मुझे जाना है ऑर्गेनाइज मेन्यू में। ऑर्गेनाइज मेन्यू कहाँ पर है आपका, मेन्यू कंट्रोल बार में, ये देखिए ऊपर यहाँ पर, ये है आपका ऑर्गेनाइज मेन्यू। ठीक है, मैंने पहले फोल्डर को सिलेक्ट किया है, फिर मैं ऑर्गेनाइज मेन्यू में गई हूँ, वहां पर आपका ऑप्शन आएगा, देखिए नीचे कट कॉपी पेस्ट अंडू के बाद नीचे आइए रीनेम, जब हम रीनेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पर
आप अपना नेम कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसका नेम चेंज कर सकते हैं रीनेम कमांड देने के बाद। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिंग ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, मतलब कि जितने भी फाइल और फोल्डर्स हैं हमारे, तो अगर हमें उनको सेलेक्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए भी हमें किस में जाना होगा, ऑर्गेनाइज, ठीक है, मेन्यू कंट्रोल बार में ऑर्गेनाइज कमांड है, उसमें जाएंगे हम, उसमें जब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे वहां पर सेलेक्ट ऑल है, जब हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो वहां पर जितने भी फोल्डर होंगे, ठीक है, तो वो सबके सब क्या हो जाएंगे, देखिए ये सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे, वो जिस चीज को हम सिलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, थोड़ा ब्लू से शेड में आ जाती है, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि हाँ वो चीज सिलेक्ट हो गई है। अब है आपका डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है, डिलीट ऑप्शन भी कहां पर आता है आपका, ऑर्गेनाइज मेन्यू कंट्रोल बार में, ठीक है, ये रहा आपका ऑर्गेनाइज, और यहां पर हमें मान लीजिए कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, तो वही चीजें हम सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर एक है तो एक, और अगर ज्यादा है तो ज्यादा, ठीक है, तो उसको अगर हम उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन पर, ठीक है, और कहां से, ऑर्गेनाइज मेन्यू से, उसके बाद आपका एक आता है डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल के, ये होता है आपका डायलॉग बॉक्स, जब हम डिलीट कमांड देंगे, डिलीट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से एक बॉक्स खुल के आएगा, वो हमसे पूछेगा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो, तो अगर हम वाकई में डिलीट करना है तो हम क्लिक करेंगे यस पर, और अगर हमें नहीं करना है तो नो पर। बच्चों आज आप इतना ही करना, अभी आपका इसमें आधा पार्ट और रह रहा है, लंबा चैप्टर है ये, तो आप वीडियो को बार बार देखना, और जिसके पास बुक है थोड़ा बुक में देख के समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछना।